इसलिए आप बोले, देखिए आप मेरा पसीना निकलना शुरू हो गया, मगर आप लोग इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। पूरा मजमा दोनों हाथ में उठा देते हैं, सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह।
पूरा मदना के रदीत तो जहन में रखे होगा के नबी के दीवाने मुझते हो कि हम हर जगह सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, इस पे अमल कर लेंगे इंशाल्लाह आपकी दुनिया कदम चूमेगी। शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें शुक्र चाहता हूँ माता रे के उसी के रहमते उसी के रहमते करीब होगी उसी को जन्नते नसीब होगी उसी के रहमत करीब होगी उसी को जन्नत नसीब होगी उसी को रहमत करीब होगी जन्नत नसीब होगे उसी के रहमते करीब होगे उसी को जन्नत नसीब होगे उसी के शेर और आपकी समातों के हिवाले करता हूँ। बता रहे खास मुलाजा फरमाए शेर का चाहता हूँ समाप्त करें के रसूल का बागे जन्नत में इस तरह से आराम होगा के नबी की सुन्नत नबी की सीरत पे चल के देखो। खास तौर पे किराम की शिरकत चाहता हूँ शेर में, खास के नबी की सुन्नत नबी की सुन्नत में ढल के देखो नबी की सीरत ढल के देखो नबी की सीरत तो चल के देखो नबी की सीरत नबी की सुन्नत में ढल के देखो नबी की सीरत तो चल के देखो नबी की सुन्नत में ढल के देखो नबी की सीरत तो चल के देखो नबी की सुन्नत नबी की सुन्नत
इज्जत की बात क्या है, फलक पे भी तेरा मुंह होगा। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए इरशाद के ये हुरूगिल ये साथ होंगे सरों पे अजमत के ताज होंगे, ये हुरूगिल के साथ होंगे सरों पे अजमत के ताज होंगे, ये हुरूगिल के साथ होंगे सरों पे अजमत के ताज होंगे, हजमत के ताज होंगे तेरे बेचना मुझे भी आता है, बहुत ऐसे ऐसे शेर है कि मैं आपको खड़े होने पे मजबूर कर, मगर ये ऐसा वक्त है हजरत मुफ्ती अबू दर कासमी साहब कातम अलिया तशरीफ फरमा है, मैं बस ये सोच के इस कलाम का इंतखाब किया कि कुछ अच्छे शेर अच्छी बात आप तक पहुंच जाए। मक्के की शक्ल में आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बतौर खास शेर का चाहते हुए मुलाहिज़ा फरमाए के रसूल जन्नत में इस तरह से कायम होगा कि मिटेगा बातिल का सब गुरूर, बे हयात वो दिन नहीं है दूर, अबे मिटेगा सब गुरूर, हयात वो भी नहीं है दूर, मिटेगा बात का सब गुरूर, हयात वो भी नहीं है दूर, मिटेगा बात का सब गुरूर, हयात वो भी नहीं है दूर, तमाम दुनिया